हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने श्री एम की जिंदगी का एक ऐसा किस्सा आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, जो कि उनके बाबा जी के साथ के जो उनके जीवन के अनुभव हैं, जो उन्होंने इस बुक में यात्रा जारी है में उन्होंने शेयर किए हैं, इस बुक के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसका चैप्टर है आकाश भ्रमण। उसके बारे में हम जानेंगे कि आकाश भ्रमण क्या होता है, एस्ट्रल ट्रेवल जिसको बोलते हैं, और हम ये भी जानेंगे कि हमारे जो सपने होते हैं उसमें और जो हम कॉन्शियसली एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो बात है उन दिनों की। श्रीयम बताते हैं कि जब वो बाबा जी के साथ अरुंधति गुफा में रहा करते थे, वो टाइम पर वो महेश्वरनाथ बाबा जी से डिस्कस करते हैं कि बाबा जी, जब मैं छोटा था, बचपन में था, तो मैंने कई बार ऐसे सपने देखे हैं जिसमें मैं उड़ रहा हूँ, जैसे कि, और मैं उड़ते वक्त भी इतना सजग था कि मैं बिजली के तारों से बचते हुए निकल रहा था, खंभों से बचते हुए निकल रहा था कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। और मैं उड़ते उड़ते ऐसी ऐसी जगहों पे गया हूँ जहाँ मैं पहले कभी नहीं गया, जिनके बारे में मुझे कुछ भी कोई आइडिया नहीं है, और मैंने ऐसी ऐसी चीज़ों से ऐसे ऐसे लोगों से मिला हूँ, ऐसी चीज़ों को मैंने देखा है जो मैंने कभी नहीं देखा था। तो ये सब क्या है? तो ये सपने जो हैं हम किस तरीके से देखते हैं? तो बाबा जी बताते हैं कि जो सपने होते हैं वो हमारे अवचेतन मन में, यानी कि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड जो हमारा होता है, जो कि बहुत पावरफुल है, उसमें हमारी दबी हुई बहुत ही, जब से ये सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है तब से हमने जो भी चीज़ें इसमें इकट्ठी की हुई है अपने सबकॉन्शियस माइंड में, वो जो चीज़ें हैं, हमारे दबी हुई इच्छाएं हैं, हमारे थॉट्स हैं, वो सब हमारे जो सूक्ष्म शरीर है वो उसको एक्सपीरियंस करता है ट्रेवल करके। तो इन सब का मिक्सिंग कॉम्बिनेशन है इन दोनों का। और फिर बाबा जी उनको बताते हैं कि जब हम बहुत गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो तब हमारे अंदर जो हमारे स्थूल शरीर, जो हमारी फिजिकल बॉडी दिखाई दे रही है, उसके अंदर एक हमारा सूक्ष्म शरीर है जो कि उसके अंदर रहता है, ठीक है। और वो जो है, जब हम सो रहे होते हैं गहरी नींद में, तब वो बाहर निकलता है। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हो सकता है कुछ लोग इस पे यकीन ना करें, इसको फेक बोल दें या नकार दें, मिथ बोल दें, कुछ भी बोल दें, आपकी जो मर्जी, आपको जैसा समझ में आता है आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं मेरा ओपिनियन बताना चाहूँगी। मेरी नज़र में ये चीज़ें बिल्कुल मैं सही मानती हूँ और विश्वास करती हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि जब तक मैंने मेडिटेशन नहीं किया था और मुझे कुछ इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं हुए थे, तब तक मैं इन चीज़ों को मानती थी, यकीन करना चाहती थी, पर पूरी तरीके से नहीं कर पाती थी कि क्या ऐसा सच में हो सकता है, ये चीज़ें कहाँ तक सच हैं। लेकिन जब मैंने खुद कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, तो मैं बिलीव करने लग गई हूँ कि हाँ, ये इस तरह की चीज़ें बिल्कुल होती हैं और ये सच है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे स्टोरी को। तो बाबा जी बताते हैं कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, वो हमारे स्थूल शरीर के कम्प्लीटली रेस्ट जब कर रहा होता है, उस टाइम पे वो बाहर निकलता है, जिसको कि हम बोलते हैं एस्ट्रल ट्रेवल। और बाबा जी ये भी बताते हैं कि जब किसी पर्सन की डेथ होती है, तो उसकी डेथ के बाद उसका जो सोल है, इसको बोलते हैं कि हम लोग, उसकी सोल निकल गई, उसकी बॉडी में से उसी बॉडी बची है, उसमें क्या होता है, जो उसका स्थूल शरीर हो, जो उसका स्थूल शरीर है ना, वो तो वहीं का वहीं रहता है, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है, जो कि एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो अलग हो जाता है। जिस तरीके से जब एक बेबी होता है, जब वो मदर जब कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होती है, तो जो बेबी है, जो जो जिस कॉर्ड से वो मदर से जुड़ा हुआ होता है, और जब वो बर्थ लेता है तो वो कॉर्ड को कट कर दिया जाता है, तो बेबी अलग हो जाता है मदर से। तो इसी तरीके से हमारे अंदर जो हमारी सोल है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, वो एक सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि एक चांदी की तार या धागा, कुछ भी उसको बोल सकते हैं। और जब किसी पर्सन की डेथ होती है, तो वो जो डोर होती है वो टूट जाती है, फिर वो कितनी भी कोशिश करे वो उस दोबारा उस बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो वो जो है ना, वो बाहर निकल जाता है। और वो बताते हैं बाबा जी कि कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि जो हमारा स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है, उसके बाद भी सूक्ष्म शरीर जिंदा रहता है, और वो अपने साथ में कुछ अपनी इच्छाएं होती हैं, अतृप्त इच्छाएं होती हैं, हमारी वासनाएं होती हैं, और हमारे जो भी काम अधूरे रह जाते हैं, वो सब अपने साथ
लेके आता है, उड़ा के लेके आता है, जिस तरह से हवा जो है फूलों की खुशबू को अपने साथ उड़ा के लेकर के चली जाती है, ठीक इसी तरीके से जो हमारे इस लाइफ टाइम के इम्प्रिंट्स होते हैं सारे के सारे, जो हमारी फुलफिल होती हैं और नॉट फुलफिल होती हैं, जो भी सारी चीज़ें होती हैं वो सब उसके साथ में चली जाती हैं। और जब वो एक नेक्स्ट बॉडी को सर्च करती है सोल बर्थ लेने के लिए, तब जब वो उसमें एंटर होती है, तब वो अपने इन सारी जो उसकी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, जो भी उसकी विचार होते हैं, जो भी वो करना चाहती है, डिज़ायर्स उसकी होती है, वो अपनी डिज़ायर्स के साथ में फिर से बर्थ लेती है, न्यू बॉडी को वो अडॉप्ट करती है, और उस बॉडी के थ्रू वो अपनी सारी की सारी जो हमारी इच्छाएं होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, उनको पूरा करती है। तो जो महेश्वरनाथ बाबा जी वो ये बताते हैं कि जो बहुत उन्नत योगीज होते हैं, पहुँचे हुए सिद्ध होते हैं, उनकी जो ये एस्ट्रल बॉडी होती है, ये वाली सूक्ष्म शरीर वाली जो कि बर्थ लेती है, वो खत्म हो जाती है, वो धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है, वो नष्ट हो जाती है। लेकिन जो अभी तक अध्यात्म के उस स्तर तक नहीं पहुँचे हैं और जिनको अभी भी बहुत सारी इच्छाएं हैं, वो उनकी जो एस्ट्रल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, वो बार बार अपनी उन अनफुलफिल्ड जो हमारी डिजायर्स होती हैं उनको पूरा करने के लिए उसको ह्यूमन बॉडी को लेना ही होता है और बर्थ लेना होता है, और इस तरीके से बर्थ का ये प्रोसेस ये चल रहा होता है। और लेकिन जो योगीज होते हैं, हाई स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं, उनका ये सूक्ष्म शरीर जो है वो खत्म हो चुका होता है, वो सिर्फ अपने कर्म शरीर जो उनका होता है वो अपने उसी बॉडी में रहते हैं। और कुछ योगी तो अपने कारण शरीर को सिर्फ इसीलिए रखते हैं, उनको कोई आगे कोई पर्पस हो लाइफ में, कुछ मिशन हो, कुछ ह्यूमैनिटी के लिए कुछ करना हो, या कुछ भी इस तरीके का किसी विशेष उद्देश्य से ही अपने जो कॉजल बॉडी है उसको साथ में रखते हैं। नहीं तो जो योगीज होते हैं, बहुत पहुंचे हुए संत होते हैं, उनकी कॉजल बॉडी भी खत्म हो जाती है। कॉजल बॉडी में क्या होता है, कॉजल बॉडी में हमारे अब तक के जितने लिए बर्थ हैं, जो भी हमने लिए हैं, उसमें सारा डेटा रहता है, हमारा कर्मों का पूरा हिसाब किताब रहता है, सारी चीज़ें उसमें होती हैं, हमारी लाइफ में जो भी जितनी चीज़ें भी हमारे सामने आती हैं, इंसिडेंट हमारे सामने आते हैं, वो सब कुछ हमारे उसी शरीर में रहते हैं। तो बाद में बाबा जी उनको बताते हैं कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं, जो एस्ट्रल ट्रेवल होता है, वो जरूरी नहीं है कि स्वप्न में ही हो, कुछ योगी इसको जागृत अवस्था में भी करते हैं। अगर आप जागृत हो, जागृत अवस्था में अपनी इच्छा से अपनी बॉडी को, सूक्ष्म शरीर को बाहर निकालते हो और आप ट्रैवल जो करके आते हो वो आपको याद रहते हैं, लेकिन जो स्वप्न के होते हैं, नींदों के होते हैं, वो ट्रेवल्स आपको बहुत कम याद रहते हैं, क्योंकि हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिक, एक ऐसा यंत्र जो है वो फिक्स है डिवाइन का, कि जो भी हमारी जो सोल और जो हमारे जो एस्ट्रल बॉडी है, जो भी एक्सपीरियंस लेती है, उसकी बहुत धुंधली धुंधली यादें ही हमें याद रह जाती हैं, कईयों को तो उनके ड्रीम भी याद नहीं रहते। तो हमारा जो एस्ट्रल बॉडी है, उसे रात में निकल के क्या किया, किससे मिला, क्या मीटिंग हुई, वो बहुत सारी चीज़ें वो वैनिश हो जाती हैं उसमें, मतलब धुंधली हो जाती है, याद नहीं रहता। ये डिवाइन का सिस्टम है, जिस तरीके से हमें बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें हम भूल भी जाते हैं, कुछ याद रहती हैं, लेकिन जो योगीज होते हैं वो प्रैक्टिस करके एस्ट्रल ट्रेवल अपनी इच्छा से कॉन्शियस माइंड में करते हैं, और वो उनको पूरा याद भी रहता है। श्री हम बोलते हैं, बाबा जी क्या आप मुझे भी ऐसी प्रैक्टिसेस बताना चाहोगे, प्लीज़ मुझे भी ये प्रैक्टिस सीखनी है, अगर आपको सही लगे तो, क्योंकि ये तो आप ही मुझे सिखा सकते हैं, और अगर इससे मेरी आध्यात्मिक जो मेरी यात्रा है उसके विकास में कोई बाधा ना हो। तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ जरूर, मैं सारी चीज़ों का इंतज़ाम कर दूंगा, जिससे कि तुम एस्ट्रल ट्रेवल भी कर सको, तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी जो डेवलपमेंट है उस पर कोई इसका असर ना पड़े, कोई रुकावट ना आए, और मैं तुम्हारी सुरक्षा के भी सारे इंतजाम कर दूंगा। इस तरीके से बाबा जी उनको कुछ प्रैक्टिस बताते हैं, टेक्निक बताते हैं, जिससे कि हम अपनी उन प्रैक्टिस को करके अपने एस्ट्रल बॉडी को अपनी बॉडी से अलग कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। अब बाबा जी जो है उनको कुछ चीज़ें बताते हैं, जो कि है हमारी फिजिकल बॉडी और हमारे एस्ट्रल बॉडी के बारे में। वो बोलते हैं कि जो हमारी फिजिकल बॉडी है वो हमारे 5 सेंसेस जो होते हैं उससे एक्सपीरियंस लेती है, और जो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है, वो हमारी सोल का एक टूल है। बोल सकते हैं कि हमारी सोल जो है वो एस्ट्रल बॉडी के थ्रू एक्सपीरियंस लेती है, जिस तरह से हमारी बॉडी 5 सेंसेस से लेती है। वो बताते हैं कि जो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है वो देख सकती है, सुन सकती है, सूंघ सकती है,
लेकिन वो आवाज़ नहीं लगा सकती, बोल नहीं सकती, चीख नहीं सकती, किसी से बात नहीं कर सकती, और एक वो किसी चीज़ को टच नहीं कर सकती। अगर कोई एस्ट्रल बॉडी चाहे कि वो स्थूल जगत की किसी चीज़ को साथ ले जाना चाहे, उठाना चाहे, तो वो उसको टच नहीं कर सकती, उसके हाथ आर पार निकल जाएंगे और वो इस तरह का कोई काम नहीं कर सकती और उसको कोई देख नहीं सकता। सिर्फ बहुत ही जो उन्नत योगीज होते हैं, पहुंचे हुए, वो ही अपनी थर्ड आई से, अपनी जो पावर होती है उसी से ही उस बॉडी को देख सकते हैं, बाकी उसको कोई भी नहीं देख सकता। अब बाबा जी ये बताते हैं कि जो फ्यूचर देखने की बात होती है, भविष्य देखने की, ये भी बहुत उन्नत पहुंचे हुए योगीज होते हैं, उन वो कर सकते हैं ऐसा, लेकिन जो मार्केट में और तुम्हारी जगत में जो इस तरह का दावा करते हैं कि हम भविष्य देख के बता सकते हैं, उनके चक्कर में कहीं भी मत पड़ना, क्योंकि उन लोगों को उनकी कल्पना शक्ति इतनी तीव्र होती है कि वो अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके आपको कुछ ही बता देते हैं, लेकिन वो चीज़ सच नहीं होती है। तो बाबा जी उनको बताते हैं कि जो हमारा स्थूल शरीर है वो 5 तत्वों का बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों का हमारा ये स्थूल शरीर बना हुआ है जो कि हमें दिख रहा है। लेकिन जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है उसके जो तत्व होते हैं वो अलग होते हैं, इसीलिए वो हमें अपनी आंखों से, इन फिजिकल आई से नहीं दिखाई देते। बाबा जी बताते हैं कि जो ज्यादातर लोगों की जो बॉडी, एस्ट्रल बॉडी रिलीज होती है वो उनके नाभि केंद्र से होती है, उनकी जो सिल्वर कॉर्ड है वो उनकी नाभि से जुड़ी हुई होती है, तो जब वो बाहर निकलते, ट्रेवल करते, तो उनकी नाभि से वो डोर उनके साथ में जाती है। और आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि आप ड्रीम देख रहे हो और सडन आपका अलार्म क्लॉक बज जाता है या किसी की आवाज़ आती है, तो एक झटके के साथ अपनी बॉडी में वापस आ जाते हो। तो वो बॉडी जो है आपकी, जो सूक्ष्म शरीर है, वो आपका सिल्वर कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब तक आपकी नेचुरल डेथ नहीं होती है तब तक के वो कॉर्ड को कोई कट नहीं कर सकता, ये पूरा कम्प्लीटली सेफ रहता है। और डिवाइन ने ये ऐसा ये पूरा इसका सिस्टम बना के भेजा हुआ है कि कोई आपको उससे अलग नहीं कर सकता। इसीलिए कभी भी नींदों में अचानक से हमारी आँख खुल जाती है, हम बहुत गहरी नींद में होते हैं, कोई ड्रीम देख रहे होते हैं और एक झटके में हम वापस आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? वो उसी तरीके से आते हैं, हम कहीं भी हो, हमारा एस्ट्रल बॉडी कहीं भी हो, किसी भी डायमेंशन में हो, एक झटके के अंदर वो तुरंत वापस आ जाता है। और बाबा जी बताते हैं कि जो उन्नत योगीज होते हैं पहुंचे हुए, वो लोग अपनी इसी एस्ट्रल बॉडी को अपनी थर्ड आई से, अपनी थर्ड आई जो चक्र रहता है, यहाँ से उसको आउट करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं ट्रेवल करने के लिए। और इस तरह के जो उन्नत योगीज होते हैं उनके पास ये पावर आ जाती है, अथॉरिटी आ जाती है कि वो अपनी उस पावर से, अपनी जागृत अवस्था में, अपने सूक्ष्म शरीर से किसी भी लोक में जा सकते हैं। लोक का मीन्स है, ये चीज़ क्लियर बताते हैं बाबा जी कि अर्थ एक अकेला ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ लाइफ है। अर्थ के अलावा बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार सिस्टम्स हैं, तो वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ के लोगों से मिल सकते हैं, वहाँ से उन्नत ज्ञान है वो लेके आ सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, आप अलग अलग जगह के एटमोसफियर को देख सकते हैं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप योगी प्रैक्टिस करते हैं, योगी प्रैक्टिस करते हैं इस तरीके की, तो वो चीज़ें पॉसिबल हैं। अब इसके बाद में श्री एम उनको टोकते हुए बाबा जी से एक क्वेश्चन और करते हैं कि बाबा जी, जो लोग कहते हैं कि उन्होंने किसी भूत प्रेत को देखा है या किसी आत्मा को देखा है, वो क्या होता है? तब बाबा जी बताते हैं कि भूत प्रेत या आत्मा और कुछ नहीं होता, सिर्फ आपकी बॉडी का एक ऊर्जा शरीर जो है हमारा, स्थूल शरीर के बाद में ऊर्जा शरीर हमारा होता है, एथरिक बॉडी वो होती है। बाबा जी बताते हैं कि जब किसी पर्सन की अचानक से डेथ हो जाती है तो उसकी जो बॉडी होती है वो एक झटके के साथ में, मतलब डेथ हो जाती है और एक झटके के साथ में उसके अंदर जो एनर्जी है वो निकलती है, और वो सेम उसी तरीके के रूप की होती है, उसी तरह की शेप की होती है, उसी तरह की हाइट की होती है जिस तरह वो इंसान का शरीर होता है। लेकिन वो क्या है, वो एनर्जी बॉडी तुरंत उसका रूप ले लेती है और वो ही हमको दिखता है, लेकिन उसकी लाइफ बहुत कम होती है और वो कुछ नहीं कर सकती, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वो सिर्फ उसी जगहों पे ट्रैवल करती है, जाती है जहाँ वो उस इंसान को बहुत लगाव होता है, बहुत अटैचमेंट होता है, क्योंकि वो चीज़ें वो उसको मैग्नेट के जैसा अट्रैक्ट कर रही होती हैं। और टाइम टाइम टू टाइम धीरे धीरे ये जो उसका एथरिक जो शरीर होता है, बॉडी, वो धीरे धीरे विलुप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। और बोलते हैं कि जब कभी ऐसा धुंध होती है, फॉग होता है,
तो उस टाइम पे कभी कभी इसको देखा जा सकता है, लेकिन ये वो ही लोग देख सकते हैं, या तो जो बहुत भयभीत हो, बहुत ज्यादा डरे हुए हो, डर में रहते हो, या फिर जो स्पिरिचुअली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, बहुत ज्यादा, और जिनका वो जो लिम्बिक प्रक्रिया उत्तेजित हो गई हो, वो ही लोग इस चीज को देख सकते हैं, या फिर जिसने बहुत नशा कर रखा होता है, तो वो लोग इस बॉडी को देख करके बोलते हैं कि उन्होंने किसी भूत प्रेत को देखा है, जबकि वो उस बॉडी का एथरिक बॉडी होती है। और बाबा जी बताते हैं कि कुछ जो काला जादू करते हैं लोग, वो काला जादू करने वाले लोग जो प्रकृति ने नियम बनाया है कि एथरिक बॉडी को खत्म होना ही है, हर इंसान की खत्म हो जाती है, और लेकिन जो काला जादू करने वाले होते हैं वो लोग उसको कंट्रोल कर लेते हैं, अपने वश में कर लेते हैं, और इससे बहुत ही ऐसे काम कराते हैं जैसे किसी को बहुत फियर में लाना हो, डराना हो, धमकाना हो, कुछ काम कराना हो तांत्रिक तरीके से, तो वो लोग इस चीज़ का यूज़ करते हैं, उनको कंट्रोल कर लेते हैं और उनको वो ख़त्म नहीं होने देते। एक तरीके से जो एक नेचुरल वे होता है इस बॉडी का डिस्ट्रॉय होने का, विघटन होने का, वो उसको विघटित नहीं होने देते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं, जो कि एक रॉन्ग वे है। और इस तरह से हमें जितने भी तंत्र और तांत्रिक जितनी चीज़ें होती हैं उनसे बच के रहना चाहिए, उनके चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। और बाबा जी कहते हैं कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो जानते हैं कि मतलब गलत है, लेकिन वो अपने इरादों को पूरा करने के लिए इस तरह का काम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और बाद में जब इन लोगों की, योगी इस तरह की जो तांत्रिक क्रियाएं करते हैं या तंत्र का यूज करते हैं, उनकी जो डेथ होती है, मृत्यु बहुत ही घिनौनी मृत्यु उनकी होती है, तो बाबा जी बताते हैं कि इस तरह की जो ये एथरिक बॉडी होती है वो किसी को भी कुछ हार्म नहीं कर सकती है। और स्पेशली जो लोग स्पिरिचुअली अवेक हैं और आध्यात्मिक रूप से काफ़ी अपना एक स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, पूजा करते हैं और अपने दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, जिनका ऑरा बहुत पॉजिटिव रहता है, इस तरह के लोगों को ये जो एथरिक बॉडी होती है उनके आसपास भी नहीं भटक सकती है। और जो मंत्रा चैंटिंग करते हैं वो लोग इस तरह की बॉडीज को मिनटों में इसको विघटन इसका कर सकते हैं, इस ऊर्जा को नष्ट कर सकते हैं। बाबा जी बताते हैं कि जब किसी पर्सन की डेथ होती है तो उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है वो एक आयाम में जा करके कुछ टाइम के लिए विश्राम करता है, और फिर जो उसके आगे का मार्गदर्शन करने के लिए जो उन्नत गुरु होते हैं वहाँ पे, जो उसकी हेल्प के लिए होते हैं, स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, उनकी मदद से वो आगे की प्लानिंग करता है कि अब उसे क्या करना है, क्योंकि उसकी जो भी अतृप्त इच्छाएं होती हैं, डिजायर्स हैं, थॉट्स हैं, बहुत सारे काम जो उसके पेंडिंग पड़े हुए हैं वो उनको किस तरीके से पूरा कर सकता है, तो उसके लिए वो नेक्स्ट लाइफ का पूरा प्लान डिजाइन करता है, और उस लाइफ प्लान को डिजाइन करने के बाद ही वो नेक्स्ट बर्थ लेता है। अब श्री एम बताते हैं कि बाबा जी ने जो उनको प्रैक्टिसेस सिखाई थी उसके बाद में एक दिन वो अचानक ही क्या देखते हैं ना, वो बोलते हैं कि उन्होंने अपनी अति इंद्रियों से एक बार देखा कि जो योगीज की जो कॉटेज थे, जो योगीज के कॉटेज थे, जिस कॉटेज में योगीज रह रहे थे गंगा किनारे वहां पे, उनकी छतों पर से उन्होंने ब्लू कलर के तंतुओं को निकलते हुए देखा, उनकी जो एस्टर बॉडी है उसके साथ में। तो वो उस पर समझ गए थे कि ये वही है जिसके बारे में उनको बाबा जी ने बताया था, जो कि सिल्वर कॉर्ड है, यानी कि जब रात में सब सो जाते हैं और उनकी एस्टर बॉडी जब रिलीज होती है ट्रेवल करने के लिए, तो वो सिल्वर कॉर्ड से कनेक्ट होते हैं। अब सोचिए उन्होंने उस योगी सी कॉटेज में कितने सारे योगीज की एस्ट्रल बॉडीज को देखा और उसके साथ सिल्वर कॉर्ड को देखा, जो कि आकाश भ्रमण के लिए निकल चुके थे। और इस तरीके से ये चैप्टर जो है फिनिश होता है। यहाँ पर एक चीज़ और भी श्रीयाम बोलते हैं कि क्या बाबा जी हर कोई ट्रेवल कर सकता है कॉन्शियसली, तो बाबा जी ने बोला कि हाँ हर कोई ट्रेवल कर सकता है और ये सेफ है बिल्कुल, लेकिन जो भी लोगों को एस्ट्रल ट्रेवल करने से अगर कोई चीज़ रोकती है तो वो एक ही चीज़ है, उनका ये विश्वास कि ऐसा नहीं हो सकता और बाकी कोई चीज़ उनको नहीं रोकती है और हम सेफली एस्ट्रल ट्रेवल कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। आगे इस बुक में श्री एम ने कुछ एस्ट्रल बॉडी कैसे रिलीज करनी है और कैसे ट्रेवल करना है उसकी कुछ टेक्निक्स बताई हुई हैं, जो कि हम फिर कभी आगे शेयर करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी ये वीडियो, और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड कमेंट एंड प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बाय।